नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भगवान विष्णु के निमित्त किया जाने वाला पापकुंशा एकादशी व्रत अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी तिथि का व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होता है। ये दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक माना गया है। इस दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पापकुंशा एकादशी का महत्व है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना ही अलग महत्व है, लेकिन पापकुंशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति का सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। पापकुंशा एकादशी 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। पापकुंशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर पीला चंदन, अक्षत, मोली, फल, फूल, मेवा आदि अर्पित करें एवं भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद एकादशी की कथा सुननी चाहिए एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना संभव हो जप करें। कथा। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में व्यतीत कर दी। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। महर्षि अंगिरा ने बहेलिये से प्रसन्न होकर कहा कि तुम अगले दिन ही आने वाली अश्विनी शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना। बहेलिये ने महर्षि अंगिरा के बताए हुए विधान से विधिपूर्वक पापकुंशा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत पूजन के बल से, भगवान की कृपा से, वो विष्णु लोक को गया। ज्योतिष पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की एकादशी तिथि 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर होगा। उदया तिथि 6 अक्टूबर के होने के कारण पापकुंशा एकादशी व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। दोस्तों, संयोग देखिए कि ये एकादशी गुरुवार को पड़ रही है और गुरुवार, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान विष्णु जी का दिन होता है। ऐसे में इस दिन से कुछ राशियों वालों पर भगवान हरि विष्णु और मां लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली है। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं राशि वालों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशि। व्यापारियों को भारी धन लाभ होगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। इस राशि के जातकों के लिए ये समय बेहद अच्छा रहेगा। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। बागवानी या खेत का काम में रुझान होगा। करियर में बदलाव आ सकता है। मिथुन राशि। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। आपकी संरचनात्मक शांति में वृद्धि होगी। पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी और धन का लाभ होगा। परिवार और साथी से प्यार और अपनापन मिलेगा।
प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, भूमि संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि, इस राशि वालों के लिए प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी अथवा जॉब में आपको कई प्रकार के पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आज आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। मकर राशि, इस राशि के लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन और धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन, निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन तथा व्यापार, हर जगह से अच्छा समाचार प्राप्त होगा। धर्म कर्म में रुचि रहेगी, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कुंभ राशि, मां लक्ष्मी की कृपा से कुंभ राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ होगा और गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहेगी। फंसा हुआ धन वापस मिलेगा। आय और नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। ऑफिस में अधिकारियों से मान सम्मान भी प्राप्त होगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।